Welcome back. In this particular video, we are going to discuss about the solution of chapter number 2, that is Python Revision Tour Part 2, and we are talking about type A, that is short conceptual question and answer of Computer Science Grade 12. And all the question are taken from Sumita Arora textbook. Iske previous session mein humne already chapter number 1, that is Python Revision Tour Part 1 ke questions ko discuss kar liya hai. Yadi aapne un videos ko miss kar diya hai, to upar I button pe maine link display kar diya hai. Aap wahan se jaake unhe dekh sakte hain. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड सी कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन स्ट्रिंग्स. वेल, वी ऑल नो दैट जो पाइथन स्ट्रिंग्स होते हैं वो बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं. बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब, यदि आप इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं. सेट ऑफ कैरेक्टर का मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है. क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है. से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ एस, और इसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी से प्रोग्राम, तो ये किस तरह से मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. वी ऑल नो दैट जो स्ट्रिंग होती है या स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट, सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आप डालते हैं वो सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए सिस्टम उसे एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है जो जीरो से स्टार्ट होता है. नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ इस तरह से एक मेमोरी स्ट्रक्चर लिया है. मेमोरी के जो इंडिविजुअल लोकेशंस होते हैं विच आर नोन एज व्हाट, बाइट. इनकी कैपेसिटी 1 byte की होती है. तो जब आप कोई स्ट्रिंग में इस तरह से वैल्यू डालते हैं तो उसके एक एक कैरेक्टर्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ये जितने भी स्पेस होते हैं जिनमें हमने वैल्यूज डाली हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टम इन्हें इंडेक्स नंबर असाइन करता है जो जीरो से शुरू होता है और एक एक करके आगे बढ़ते चले जाता है. इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. बट पाइथन प्रोग्रामिंग में खास बात यह होती है कि इसमें जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप इनपुट करते हैं या जो स्ट्रिंग डेटा टाइप आप लेते हैं उसमें दोनों तरह से इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है. जैसा मैंने अभी आपसे कहा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, उसी तरह से इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी पॉसिबल होती है. और रिवर्स इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू लेता है और इसकी स्टार्टिंग होती है -1 से, और एक एक करके टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन ये इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन. इसका मतलब ये है कि यदि आप चाहें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना तो आप चाहें तो उसे S1 से भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप चाहें तो S-6 से भी एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट दैट ट्रैवर्सेस थ्रू एन इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट लाइन 2 characters पर स्ट्रिंग. इन द सेंस, इसमें हम एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और उसके सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हमें ट्रैवर्स करना है. बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन में 2 characters आएंगे, इस तरह से हमें प्रोग्राम रेडी करना है. तो सबसे पहले तो इंडिविजुअली यदि आपको कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है, मतलब ट्रैवर्सिंग करनी है किसी स्ट्रिंग में, सो वी ऑल नो दैट कि यदि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूँ और इसमें अंदर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ से फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम, एंड इसके बाद इसे ट्रैवर्स करना है, तो इसका मतलब मैं एक फॉर लूप लूंगा. यहाँ पर एक मैं काउंटर लूंगा आई और मैं लिख दूंगा इन एस, मतलब जब तक एस की वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है तब तक आप इस लूप को चलाइए. और यहां पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट के साथ में मैं ले लूंगा आई. तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा. ना क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले नहीं करना है, आंसर हमारा आना चाहिए कुछ इस तरह से PROGRAM, ये हमें आउटपुट लेना है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग का. देखिए, हम रेंज ऑपरेटर को जानते हैं, हम स्टार्ट करेंगे रेंज ऑपरेटर को 0 से अप टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बाद 2 से हम जंप करेंगे, और इस दौरान जैसे 0 के बाद सेकेंड वैल्यू आएगी तो हम 0 और 1 को डिस्प्ले करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 और 3 को, देन 4 और 5 को, कुछ इस तरह से हमें लूप चलाना है. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लूप स्टार्ट करूंगा फॉर, मैं ले लूंगा आई, फिर मैं लूंगा इन, मैंने यहां पर रेंज मैथड यूज किया,
और यहाँ पे मैं डालूंगा 0 लेंथ ऑफ s, इसके लिए मैं लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद कॉमा से 2 से इंक्रीमेंट करना शुरू करूंगा और इसके अंतर्गत जाके मैं लूंगा प्रिंट। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का, चूंकि मेरा नाम s है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज माई स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद में इसकी पोजिशन मुझे बतानी पड़ेगी, यहाँ पर हम स्लाइस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। स्लाइसिंग में मैं पहला वैल्यू दूंगा i का और कोलन लगा के मैं दूसरी वैल्यू दूंगा i प्लस 2। आई प्लस 2 देने का मतलब ये है कि जब ये रन करेगा तो 0 और 1 को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पे i प्लस 1 कर दूंगा तो सिर्फ ये 0 को दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती उसे एक्सक्लूड करता है स्लाइसिंग में। सो इस तरीके से जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई प्रोग्राम जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया है और ये ट्रैवर्सिंग का कोड लिख दिया है। अब इसे रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स पर लाइन को कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर दिया है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट ब्रीफली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट ब्रीफली। वेल, इससे पहले कि मैं इसके आंसर को डिस्कस करूं, मैंने ऑलरेडी लिस्ट का एक वीडियो सेशन अलग से बनाया हुआ है जहां पे मैंने कम्प्लीटली लिस्ट की बेसिक्स को डिस्कस किया है। तो यदि आप लिस्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने इसका कोरिस्पॉन्डिंग वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से चाहें तो इसे देख सकते हैं। सो जहां तक बात है लिस्ट की, वी ऑल नो दैट कि लिस्ट एक डेटा टाइप होता है जो कि पाइथन में हम यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और ये जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। लिस्ट की जो बेसिक यूटिलिटी की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि लिस्ट आर व्हाट म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यदि आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना है या वैल्यूज को अपडेट करना है, इस तरह के ऑपरेशंस यदि आपको परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए जो बेस्ट डेटा टाइप अवेलेबल होता है पाइथन में, दैट इज योर लिस्ट। सिमिलरली इट इज इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मतलब ये है कि आप चाहें तो यूजिंग इंडेक्स वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यूज को ऑपरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और खास बात यह भी होती है कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी मैनेज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेबिलिटी, व्हाट डज इन प्लेस टास्क मीन। वेल, म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस को एक्सेप्ट करना। आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं लिस्ट की और या हम बात करें डिक्शनरी की, ये दोनों ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिन्हें हम म्यूटेबल डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यूज आप इनिशियली डालें, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनकी किसी भी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या इसमें चाहें तो आप नई वैल्यूज को एड ऑन भी कर सकते हैं। ये बात डिक्शनरी के साथ भी लागू होती है। जहां तक बात है इम्यूटेबिलिटी की, इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यदि कोई डेटा टाइप, जैसे कि मैं बात करूं टपल की, टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। यदि इसमें कोई आप वैल्यू इंसर्ट कर दे इनिशियली, आफ्टर दैट आप उन वैल्यूज को ना तो अपडेट कर सकते हैं, ना उसमें किसी तरह की आप इंसर्शन को कर सकते हैं। तो म्यूटेबिलिटी इज ऑल अबाउट यू नो एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंजेस इन एग्जिस्टिंग वैल्यू बाई एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं यहाँ पे इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बात आती है इन प्लेस की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन प्लेस एक्चुअली। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने 2 वैल्यूज डाली हैं, 2 और 3। अब अगर मैं इसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो इस तरह से 2 मेमोरी ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे एल के लिए, एक में 2 होगा एक में 3 होगा। मान लो इसका एड्रेस है 100, इसका 100 है 2। अब अगर से फॉर एग्जांपल L0 में आपने 2 की जगह डाला 4, तो होगा क्या कि ये 2 की जगह सीधे सीधे यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है, सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। दिस इज कॉल्ड इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब हम बात कर रहे हैं रिप्लेसिंग वैल्यू की। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट स्टार्ट विथ ए लिस्ट 8, 9, 10 एंड डू द फॉलोइंग्स। मतलब हम एक लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले मान लीजिए एल इक्वल टू, जहां पे मैं डाल देता हूं 8, 9 और 10। Now after this question number 1 is saying that set the second entry that is index number 1 to 17. इसका मतलब इसके लिए मैं क्या कोड लिखूंगा ये हमें बताना है। तो यदि इसके आंसर की हम बात करें, इट इज सेइंग दैट सेकेंड एंट्री, इसका मतलब L, इंडेक्स नंबर 1 और इसमें आप डाल दीजिए 17।
तो जब आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, 817 एंड 10। क्वेश्चन नंबर टू में बोलता है एड 4, 5 एंड 6 टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है इसमें तीन एलिमेंट्स हमें डालने हैं 4, 5 एंड 6 को। डेटा अपेंड करने के लिए हमारे पास लिस्ट में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है अपेंड, एक होता है हमारे पास एक्सटेंड। यहां पर हम यूज करेंगे एक्सटेंड का, क्योंकि हमें इंडिविजुअल आइटम्स को ऐड करना है, अपेंड केवल सिंगल आइटम को ऐड करता है, इसलिए यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन नंबर बी के लिए जो कोड हम लिखेंगे दैट विल बी सिंपली एल डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के ब्रैकेट में अंदर जाके हम 4, 5 और 6 को कुछ इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में प्लेस कर देंगे। इसके बाद जब आप L को प्रिंट करेंगे देन यू विल सी इट विल डिस्प्ले यू 8, 17, 10, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर सी इज आस्किंग दैट रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। इट इज सेइंग दैट रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। फर्स्ट एंट्री का मतलब है जिसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, जीरो है। नाउ वी ऑल नो दैट देर इज ए मेथड कॉल्ड पॉप, जिसमें कि हम इंडेक्स वैल्यू जो भी पास करेंगे उस वैल्यू से रिलेटेड जो भी डेटा या एलिमेंट हमारे लिस्ट में होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एल डॉट पॉप। इट इज सेइंग दैट फर्स्ट एलिमेंट तो इट शुड बी जीरो इंडेक्स। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करके इस एल को डिस्प्ले करेंगे दिस टाइम यू विल सी इट विल डिस्प्ले यू 17, 10, 4, 5 एंड 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सॉर्ट द लिस्ट। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए वी यूज दिस सॉर्ट मेथड। तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं एल डॉट सॉर्ट, और उसके बाद जब आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे यू विल सी इट विल डिस्प्ले यू 4, 5, 6 देन 10 देन 17। तो ये तो बात हो गई मेरे क्वेश्चन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर ई में बोलता है डबल द लिस्ट, मतलब इस लिस्ट का साइज को डबल कर दो विथ एलिमेंट्स। तो डबल करने के लिए हम यहाँ पे जनरल वेक्टर ऑपरेशन करेंगे, मतलब हम इस लिस्ट को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और चूंकि ये डबल करने की बात कर रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं एल इक्वल टू एल इंटू 2। और जब आप इसके आउटपुट की बात करेंगे तो आप देखेंगे सेम वैल्यूज जो है 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी कुछ इस तरह से। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज सेइंग दैट इंसर्ट 25 एट द इंडेक्स नंबर 3। इसका मतलब हमें थर्ड नंबर के इंडेक्स में एक नया आइटम ऐड करना है। तो यहां पर हम L3 इक्वल टू तो 25 नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होगा थर्ड आइटम को अपडेट करो या चेंज करो, हमें नया आइटम इंसर्ट करना है। तो इसके लिए लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है एक इंसर्ट मेथड। इस इंसर्ट मेथड में हमें पहले बताना पड़ेगा इंडेक्स पोजीशन क्या है, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हमें डालनी होगी उस वैल्यू को जिसे हमें इंसर्ट करना है। एंड इसके बाद जब इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी इट विल डिस्प्ले यू 4, 5, 6 देन इसके बाद यहां पे 25 देन अगेन 10, 17 एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। तो चलिए अब इन सब को हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। यहां पे मैंने पूरा कोड एक साथ लिख लिया है। दिस इज माई फर्स्ट 8, 9, 10 ले लिया, उसके बाद इसने बोला फर्स्ट पोजिशन पे 17 को डालो, तो मैंने डायरेक्ट L1 इक्वल टू 17 लिखा। उसके बाद इसने बोला तीन आइटम्स को इंडिविजुअली हमें अपेंड करना है लिस्ट में, इसके लिए हमने एक्सटेंड मेथड इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसने बोला फर्स्ट आइटम को आप डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, इसके लिए हमने पॉप मेथड लिया और जीरो इंडेक्स पोजीशन डाल दी। उसके बाद हमने पूरी लिस्ट को सॉर्ट किया, उसके बाद हमने लिस्ट की साइज को डबल कर दिया एल इंटू 2 लिख के, और उसके बाद हमने थर्ड पोजीशन पे नया एलिमेंट ऐड कर दिया है 25 वैल्यू के साथ में। चलिए इसे अब एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दीज आर दी रिजल्ट्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चन। सबसे पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद हमने इसमें 17 को रिप्लेस किया था, इसके बाद में हमने यहाँ पर एक्सटेंड की तीन वैल्यूज 4, 5, 7, उसके बाद में हमने इसे इसके जो फर्स्ट टाइप है उसे रिमूव कर दिया। सो दिस इज हाउ इट इज शोइंग नाउ। इसके बाद में हमने सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग के बाद लिस्ट डबल किया, और डबल करने के बाद थर्ड पोजिशन पर हमने नया आइटम ऐड किया। सो ओवरऑल दिस इज द रिजल्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज आस्किंग दैट व्हाट्स A1:1 इफ A इज ए स्ट्रिंग ऑफ एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स एंड व्हाट इफ स्ट्रिंग इज शॉर्टर। इन द सेंस सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग A है और इसमें मान लो मैंने एक स्ट्रिंग डाली रामन, एंड इसके बाद यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें 1:1 तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो ऑब्वियसली जब इसके आंसर को आप डिस्प्ले करेंगे दिस इज कॉल्ड योर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब ये जो पोजिशन है इसका -1, मतलब 1:0 तक लूप चलाओ। तो यदि आप इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे यू विल सी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 आएगा, सो यहां पर आंसर आएगा ब्लैंक। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सेकंड ये बोल रहा है व्हाट इफ स्ट्रिंग इज शॉर्टर।
सेम थिंग विल हैपन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आर डाल दूँ एंड उसके बाद अगर आप फिर से इसे स्लाइस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट होगा, 1:0, तो 1 में कोई एलिमेंट इसे मिलेगा नहीं और फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. सो इस सिचुएशन में भी आपको एक ब्लैंक लिस्ट ही डिस्प्ले होगी. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट आर द टू वेज टू ऐड समथिंग इन ए लिस्ट, हाउ आर दे डिफरेंट. इन द सेंस हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज हियर, और इसमें हमें नए आइटम्स को ऐड करना है. तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होता है हमारा अपेंड और एक होता है हमारा एक्सटेंड. बट दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि अपेंड एट ए टाइम सिर्फ वन आइटम को ऐड करता है और इसमें आप जितने आइटम सेंड करेंगे ऑल विल बी इंसर्टेड इंडिविजुअली. इन दोनों के बारे में मैंने अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियो सेशन बनाया हुआ है, जहां पर आप चाहें तो इन्हें डिटेल्स पे जाके समझ सकते हैं. ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक डिस्प्ले कर दिया है. इन शॉर्ट यदि मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आई कैन सिंपली से दैट वी कैन ऐड न्यू आइटम अपेंड एंड एक्सटेंड एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आर अपेंड ऐड ओनली वन आइटम एट ए टाइम एंड एक्सटेंड ऐड नंबर ऑफ आइटम्स पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट आर द टू वेज टू रिमूव समथिंग फ्रॉम ए लिस्ट, how are they different. Now if you want to remove something from the given list, we have two methods. One is called your pop and second is known as remove. The basic difference between these two is what, you know, pop takes index value as argument and remove method takes value as an argument. Say for example, agar mere paas koi ek list hai 3, 6, 9, 10 and isme se mujhe 9 ko display karna hai, to I can write l.pop. दिस इज 0, 1, 2, दिस इज सेकेंड नंबर इंडेक्स, तो ये डिलीट हो सकता है. या फिर अगर आप लिखें एल डॉट रिमूव और यहां पे आप पास कर दें 9, तो भी ये रिमूव हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ए टपल. नाउ वी ऑल वेरी वेल नो दिस कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, मीन्स इसमें जो वैल्यूज हैं वो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. टपल में एक बार जो वैल्यूज आपने असाइन कर दी फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज इम्यूटेबल. लिस्ट जो होती है ऑब्वियसली जब आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी हो, वैल्यूज अपडेट करनी हो, डिलीट करनी हो, उसके लिए ज्यादा सुटेबल डेटा टाइप होता है. टपल का इस्तेमाल हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ डेटा को एक्सेस करना हो या सिर्फ ट्रैवर्स करने की हम बात करें, बिकॉज वहां पे इसमें टाइम कम लगता है और लिस्ट में अगर आप ट्रैवर्सिंग करते हैं तो टाइम आपको ज्यादा लग सकता है. तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट इन द पाइथन शेल डू द फॉलोइंग्स, मींस हमें ये सारे कोड एग्जीक्यूट करने हैं और इसकी हेल्प से हमें समझने की कोशिश करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे. तो चलिए मैं पाइथन शेल ओपन करता हूं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. सो नाउ मैंने ये पाइथन शेल अपना ओपन कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग डिफाइन ए वेरिएबल नेम्ड स्टेट दैट इज एन एम्प्टी लिस्ट. तो आप सीधे पहले एक वेरिएबल ले लीजिए स्टेट एंड इसे आप अगर एम्प्टी करना चाहते हैं तो इक्वल टू आप लिस्ट कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं. एंड अगर आप इसे स्टेट को प्रिंट करने की कोशिश करें तो ये आपका एम्प्टी स्टेट हो गया. आप चाहें तो सीधे स्टेट इक्वल टू ब्लैंक ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ऐड दिल्ली टू द लिस्ट. चूंकि मुझे यहाँ पे सिंगल आइटम ऐड करना है सो इसके लिए मैं यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करूंगा अपेंड का. आप चाहें तो एक्सटेंड भी ले सकते हैं क्योंकि एक ही आइटम है, तो मैं अपेंड ही लूंगा, ज्यादा बेटर है. सो मैंने ये दिल्ली को डाल दिया यहाँ पे. इसके बाद आप चाहें तो इसे प्रिंट करके देख सकते हैं कि क्या ये ऐड हुआ. सो यू कैन सी हियर इट इज. इसके बाद बोलता है नाउ ऐड पंजाब टू द एंड ऑफ द लिस्ट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट डॉट अगेन अपेंड और यहाँ पे मैं इस दफा दे देता हूँ पंजाब. एंड इसके बाद में आप रन करें, सिंटैक्स एरर बिकॉज मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया सही तरीके से. सो मैं फिर से इसे लिख देता हूँ एंड रन इट. इट इज सेट नाउ. आप डिस्प्ले करके चेक कर लें, इट इज एडेड. क्वेश्चन नंबर डी इज सेइंग दैट डिफाइन ए वेरिएबल स्टेट टू दैट इज इनिशियलाइज विथ राजस्थान गुजरात एंड केरला. तो मैं अब एक सेकेंड लिस्ट रेडी करता हूँ स्टेट टू के नाम से, जहां पे मैं ये तीनों वेरिएबल्स ले लेता हूँ, सॉरी वैल्यूज ले लेता हूँ. नाउ इट इज डन. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई बोलता है ओडिशा को आपको बिगनिंग में ऐड करना है, टू द बिगनिंग.
वी ऑल नो दैट इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंसर्ट मेथड का। इंसर्ट मेथड में हमें इंडेक्स नंबर असाइन करना होगा, तो मैं लेता हूँ स्टेट टू डॉट इंसर्ट। चूँकि ये बिगनिंग की बात कर रहा है इसलिए जीरो पोजिशन होगी हमारे इंडेक्स वैल्यू, और हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ माई ओडिशा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओडिशा। एंड इसके बाद आप इसे ब्रैकेट को क्लोज कर दें और रन करें, इट इज़ एडेड। आप चाहें तो इसे रन करके देख सकते हैं, सो यू कैन सी इट इज़ एडेड नाउ। इसके बाद बोलता है त्रिपुरा को आपको ऐड करना है, दैट इज थर्ड स्टेट इन द लिस्ट। थर्ड का मतलब होगा सेकेंड इंडेक्स पोजिशन। सो इसके लिए भी हम इंसर्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। सो मैं लेता हूँ स्टेट टू डॉट अगेन इंसर्ट पोजिशन नंबर टू, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ त्रिपुरा। एंड इसके बाद में मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, इट इज़ एडेड नाउ। आफ्टर दैट ऐड हरियाणा टू द लिस्ट सो दैट इट अपीयर्स बिफोर गुजरात। और ये बोलता है कि आपको ये नहीं मालूम कि गुजरात की पोजिशन क्या है, तो सबसे पहले हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा गुजरात का। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ माई स्टेट टू डॉट इंडेक्स, और हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे गुजरात। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया गुजरात, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। सो इट इज़ शोइंग यू थ्री। चूँकि ये क्वेश्चन बोलता है कि हमें गुजरात के पहले इंसर्ट करना है नया आइटम, सो आई कैन सिंपली टेक स्टेट टू इंसर्ट ब्रैकेट में टू सेकेंड पोजिशन, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अब हरियाणा को। एंड इस तरह से ये ऐड हो चुका है, एक बार आप इसे चेक कर लें, यू कैन सी नाउ इट इज एडेड। आफ्टर दैट रिमूव द फिफ्थ स्टेट फ्रॉम द लिस्ट एंड प्रिंट दैट स्टेट्स नेम। वी ऑल नो दैट इसके लिए हम यूज करते हैं पॉप मेथड का। यू कैन टेक स्टेट पॉप डॉट और फिफ्थ एलिमेंट मतलब फाइव सॉरी इंडेक्स नंबर फोर। एंड इसके बाद जब आप इसे प्रिंट करेंगे, एक्चुअली मैंने स्टेट टू लेना था, सो इट शुड बी पॉप, देन यू जस्ट टेक इट टू फोर एंड देन रन इट। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ डिलीटेड एज वेल एज प्रिंटेड। आप चाहें तो फिर से एक बार इसे प्रिंट करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया स्टेट टू, आप देखेंगे यहाँ से गुजरात रिमूव हो चुका है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन नाउ। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।